अक्सर ज्यादातर देखा गया है फिल्मों की दुनिया में एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ काफी सुर्खियों में रही है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे बॉलीवुड की फेमस अदाकारों में काउंट की जाने वाली मनीषा कोइराला के बारे में। मनीषा कोइराला ने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे, वहीं अपनी पर्सनल लाइफ के चलते काफी सुर्खियों में भी रही थी। लेकिन आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे मनीषा कोइराला के तलाक के बाद की हालत के बारे में। जब उनका तलाक हो गया था तब किस तरीके की जिंदगी वो जीती हुई नजर आई थी। दरअसल आप सभी को बता दें कि एक समय ऐसा भी आया था जब मनीषा कोइराला बुरी आदतों की वजह से बुरी तरीके से बर्बाद होती हुई भी नजर आई थी, और इसके बाद सामने आया कैंसर का राज। जी हाँ, लंबे समय तक फिल्मों में वापसी करने वाली मनीषा कोइराला को लेकर जब बात की गई उनके एक इंटरव्यू में, तब उन्होंने खुलासा किया था कि आखिरकार किस तरीके की जिंदगी वो जीती हुई नजर आई थी। मनीषा कोइराला का बॉलीवुड में कोई गॉडफादर ना होते हुए भी उन्होंने अपनी अच्छी पहचान बना ली थी और उनकी गिनती उस समय की टॉप एक्ट्रेस में की जाती थी। मनीषा ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई और बहुत सारी हिट फिल्में भी दी, लेकिन फिर अचानक से उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी परेशानियां आती हुई भी नजर आईं, और इन परेशानियों ने मनीषा को बदल कर ही रख दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस समय मैं नहीं जानती थी कि जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे तेज और सुखद पलों में हूँ, लेकिन जिंदगी ने मेरे लिए कुछ और ही लिख दिया था। उन्होंने बताया कि मैंने एक ऐसी फिल्म साइन की जो फ्लॉप साबित हो गई थी, और एक के बाद एक ऐसा ही होता रहा। उन्होंने बताया कि एक उतार चढ़ाव भरे करियर के अलावा मैं एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी जी रही थी। मैंने एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल अपना लिया था जिसकी वजह से मैं बुरी आदतों की तरफ खिंचती जा रही थी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मैं उस समय टूट गई जब मेरी शादी भी टूट गई और फिर मुझे कैंसर के बारे में पता चला। दरअसल मनीषा का कहना है कि पहले मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में मुट्ठी भर दोस्त हैं जिनके साथ मेरा गहरा नाता है। वहीं जिंदगी में हमें बहुत कम समय मिलता है, इसलिए हमें इसे ज्यादा से ज्यादा जीना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि मनीषा कोइराला ने साल 2010 में 19 जून को नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल के साथ शादी की थी, और ये शादी हुई थी काठमांडू में। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी सामने आया कि दोनों की मुलाकात सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के जरिए हुई थी, और दोनों की ये शादी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई और साल 2012 में दोनों का तलाक हो गया, और इसके बाद मनीषा की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। साल 2012 में उन्हें पता चला कि वो कैंसर से पीड़ित हैं, और इसके इलाज के लिए उन्हें न्यूयॉर्क में भी रहना पड़ा था, और न्यूयॉर्क में करीब 6 महीने तक उनका इलाज चला। वहीं ये भी कहा जाता है कि मनीषा कोइराला को कुछ बुरी चीज़ों की आदत भी पड़ गई थी। जी हाँ, वो ड्रिंक करने की एडिक्ट हो चुकी थी और रोज़ाना ये सारी चीज़ें वो किया करती थी। लेकिन अब मनीषा कोइराला कैंसर को मात दे चुकी हैं, और ठीक होने के बाद कैंसर अवेयरनेस के लिए वो काम भी करती रही हैं, और इस तरीके से मनीषा कोइराला की जिंदगी अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। वेल दोस्तों, हमारी इस खास रिपोर्ट में आज इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।